आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ बहुत ही प्यारा सा डैशिंग सा ग्लोइंग मेकअप ट्यूटोरियल लेकर के जी हाँ आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी शाइनी मेकअप लुक। वैसे तो लोग बोलते हैं कि शाइनी आपकी स्किन होने के लिए आपको इंटरनली अपनी स्किन का अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है एंड बहुत ही अच्छे अच्छे फेशियल कराने पड़ते हैं तभी आपकी स्किन हेल्दी है एंड शाइनी हो पाती है। बट हाँ, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं क्विक रिस्पॉन्स और बहुत ही जल्दी क्विकली आप दिखाना चाहते हैं अपने आप को ग्लोइंग एंड शाइनिंग स्किन के मालिक और बहुत ही प्रिटी लगना चाहते हैं बहुत ही जल्दी बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स में, तो फॉलो कीजिए मेरी आज की ये मेकअप टिप्स, देखते रहिए मेरी आज की वीडियो, दिखाती हूँ कैसे क्रिएट कर सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत किए ये प्यारा सा ग्लोइंग सा मेकअप लुक। क्योंकि है विंटर, तो विंटर में करेंगे आप इस तरह का मेकअप तो लगेंगे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो बनना है अगर सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा ग्लोइंग, सबसे ज़्यादा शाइन है और दिखना है पार्टी में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, तो बनी रहिए आज की मेरी इस वीडियो में। स्टार्ट करती हूँ मैं आज का वीडियो। सबसे पहले अच्छे से मॉइस्चराइज करने के लिए अपनी स्किन को हमें करना है टोनिंग, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है रोज़ वाटर। इससे आपकी स्किन पे लगे हुए जो भी प्रोडक्ट आप अप्लाई करेंगे वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा नेचुरल और ग्लॉसी फिनिश आएगी इस तरह से अगर आप मेकअप अप्लाई करते हैं तो। सेकेंडली मैंने ले लिया है सिरम, फेस सिरम। इसको अच्छे से अपने स्किन पे लगाना है, इसे बहुत अच्छे से मसाज करना है। मसाज करने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लॉसी रहेगी एंड देन फिर रोज़ वाटर से एक बार अच्छे से स्प्रे कर लेंगे ताकि ये सारे प्रोडक्ट अच्छे से स्किन में मॉइस्चराइज हो जाएं। एंड देन फिर ले लेना है मॉइस्चराइज़र और मॉइस्चराइज़र से करना है अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज, बहुत ही अच्छे से। सबसे पहले आज मैं फेस मेकअप करने वाली हूँ एंड देन अपनी फेस को बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी ग्लोइंग फिनिश देने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये लिक्विड हाइलाइटर और इसको मैं अच्छे से अपने फुल फेस के ऊपर अप्लाई किए ले रही हूँ, जिसे आप जो भी फाउंडेशन लगाएं वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और ग्लॉसी लगे। एंड देन फिर मैंने ले लिया है फाउंडेशन, उसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ मैं अपने ऑल ओवर फेस के ऊपर। ये थोड़ा सा कोरियन गर्ल लुक टाइप का मेकअप है तो थोड़ा सा ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं उतनी ज़्यादा फेयर नहीं हूँ जैसे कि वो लोग होती हैं, तो कुछ कुछ वैसा लुक क्रिएट करने के लिए मुझे अच्छे से फाउंडेशन को अपने फेस पे अप्लाई करना है, जिससे कि थोड़ा सा मेरा जो फेस का लुक है वो कोरियन गर्ल्स टाइप का आ जाए। इसलिए अच्छे से मैंने फेस को पहले पैम्पर किया है एंड देन फिर मैं बहुत अच्छे से अपने फेस के ऊपर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ। एंड देन मैंने अपने आईलेट के ऊपर अप्लाई कर लिया है कंसीलर और इसको अच्छे से डैप डैप कर लेना है। अब फिर से मैं अपने फेस के ऊपर हाइलाइटर लगा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लॉसी फिनिश चाहिए मुझे, बहुत ही ज़्यादा अलग हट के मेकअप करना था ये मुझे, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर अपने स्किन को ग्लॉसी लुक शाइनी लुक देने के लिए। एंड देन फिर से मैंने एक बार कंसीलर अप्लाई कर लिया है क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ मैं उतनी ज़्यादा फेयर नहीं हूँ जैसे कि कोरियन गर्ल्स होती हैं और ये मैं उन्हीं से इंस्पायर्ड मेकअप कर रही हूँ, दैट्स वाई मैं इस तरह से अपने स्किन को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ। एंड देन फिर आपको हाईलाइट कर लेना है अपनी आईब्रोज़ को, आईब्रोज़ को बहुत ज़्यादा नेचुरल रखना है, बहुत ही ज़्यादा लाइटर शेड लेकर के ही अपनी आईब्रो को आपको फिनिशिंग देनी है। आईब्रो एकदम भी आर्टिफिशियल नहीं लगनी है, ना ही ज़्यादा डार्क कलर लेना है ना ही ब्लैक कलर लेना है, बहुत नेचुरल ब्राउन कलर लेकर के आपको अपनी आईब्रो को एकदम नेचुरल फिनिश में रखना है। देन फिर मैंने ले लिया है आई शेडो, बहुत ज़्यादा आई मेकअप नहीं करना है मुझे यहाँ पर, मेरा पूरा का पूरा जो मेकअप बेस रहेगा यहाँ पर उस बेस के ऊपर ही आपका पूरा का पूरा लुक डिपेंड करता है। बहुत ही अच्छे से कट क्रीज क्रिएट कर लेनी है मुझे वन टाइम में ही एंड देन फिर ब्लेंडिंग ब्रश लेकर के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है अपने आई शेडो को ओवरऑल आईलेट के ऊपर। आपको अपना आईबॉल का एरिया छोड़ करके पूरी आँख के ऊपर अच्छे से ये मेकअप अप्लाई कर लेना है आई शेडो को एंड देन वाइटिश पर्लिश वाइट कलर का लेना है आपको आई शेडो और इसे अच्छे से अपने आई के ऊपर आई बॉल के ऊपर अप्लाई कर लेना है।
देन सेम आपको पीचिश ब्राउन कलर लेकर के अंडर आई में भी अप्लाई कर लेना है, ताकि आपकी आई का लुक बिल्कुल नेचुरल आए, बिल्कुल नेचुरल फिनिश आए आपके मेकअप की। एंड देन फिर मैंने ले लिया है सिल्वरिश पर्लिश कलर का, ये शिमरिश टाइप का ये आई शेडो है, इसको मैं अपने आई बॉल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा पिटी लग रहा है ये आई शेडो, इतना ही लुक काफ़ी लग रहा है। एंड देन फिर मैंने ले लिया है वाइट कलर का जेल आईलाइनर, इसको मैं अपनी वाटर आईलाइन के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। हो चुका है कंप्लीट। एंड देन फिर मुझे क्रिएट करना है बहुत ही प्यारा सा विंग्ड आईलाइनर। विंग को क्रिएट करने के लिए आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको अपर आईलिड को ही अप्लाई करना है। एंड देन आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको लोअर आईलिड की तरफ जाना होता है। हो गया है विंग्ड आईलाइनर मेरा कंप्लीट। आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा पिटी आ रहा है ये लुक। अभी मैंने फॉल्सी अप्लाई नहीं किए हैं, बट ऐसा लग रहा है आई का लुक एकदम कंप्लीट हो चुका है। एंड देन फिर बहुत ही लास्ट स्टेप है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छे से आपको अप्लाई करना है ये मस्कारा। मस्कारा काफ़ी अच्छे से आपको अप्लाई कर लेना है। एंड देन फिर लगा लेने हैं फॉल्स आईलैशेस। आई लुक मेरा हो चुका है कंप्लीट। आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा पिटी आया है ये आई लुक। एंड देन फिर आपको कोरियन गर्ल्स की तरह अपने फेस को शेप देने के लिए करना है फेस कंट्रोल। इसके लिए मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ हल्की ब्राउनिश शेड में, लिपस्टिक है इसका कलर, मैंने इसलिए इसको यूज़ कर रही हूँ, ताकि क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ये मैं कोरियन गर्ल्स से इंस्पायर्ड मेकअप कर रही हूँ। उनका जो फेस टोन होता है, कलर होता है, वो कुछ इसी तरह से होता है। अगर मैं यहाँ पे ब्राउन अप्लाई करती हूँ तो शायद वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता, इसलिए मैंने इस तरह का कॉन्टोर यूज़ किया है। ये आपका ब्लश प्लस कॉन्टोर दोनों तरह का इफ़ेक्ट देगा और काफ़ी ज़्यादा पिटी लगेगा ये लुक। अभी कंप्लीट हो जाएगा, आप खुद देख पाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, ख़ासतौर पे अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर टोन के हैं और इस तरह का मेकअप करते हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पिटी लगने वाला है ये मेकअप। एंड देन फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। कंसीलर को बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। आप देख पा रहे हैं मैंने कहाँ कहाँ पे हाईलाइट किया है कंसीलर को। बेसिकली आपको अपनी टी जोन को हाईलाइट करना होता है कंसीलर से। अच्छे से अप्लाई कर लेना है कंसीलर ऑल ओवर अपने फेस के ऊपर, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा पिटी और डैशिंग फिनिश आती है आपके फेस की। एंड देन फिर मैंने ले लिया है लिपस्टिक को ही यूज़ कर रही हूँ मैं ब्लश के लिए भी, क्योंकि जिस तरह का स्किन टोन हमने स्टैम्प बना रखा है इसके ऊपर पिंक कलर ही जाएगा और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस तरह का ब्लश मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो इस तरह का लुक को क्रिएट करने के लिए ऐसा पिंकिश टोन का ही ब्लश अप्लाई करना था। हो चुका है मेरा ऑलमोस्ट मेकअप कंप्लीट। आप देख पा रहे हैं कंसीलर मैंने अच्छे से अप्लाई किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेयर सा लुक चाहिए मुझे यहाँ पर, क्योंकि मुझे दिखना है बिल्कुल कोरियन गर्ल जैसा। दैट्स वाई मैं इस तरह से इस मेकअप को कर रही हूँ। मेकअप ऑलमोस्ट मेरे क्रिएट हो चुका है, अब मुझे लगानी है लिपस्टिक। लिपस्टिक मैंने आज बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक रेड कलर की लिपस्टिक है ये भी मैंने पर्पल से मंगाई थी। लिपस्टिक काफ़ी पिटी है, इसका लुक बहुत अच्छा आता है। यूजुअली मैं रेड कलर की लिपस्टिक बहुत कम अप्लाई करती हूँ, बट यहाँ पे इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मुझे रेड कलर की लिपस्टिक एक बेस्ट ऑप्शन लगा। दैट्स वाई मैं रेड कलर की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। आप देख पा रहे हैं सबसे पहले मैंने इसी को एज ए लिप लाइनर यूज़ किया है, इसी लिपस्टिक को, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्कर कलर है। मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पे नीड है लिप लाइनर यूज़ करने की। मैंने लिपस्टिक से ही अच्छे से शेप दे दिया है अपनी लिप्स को। अभी जो मेरा लास्ट स्टेप है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मुझे अपनी लिप्स को थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा पिटी दिखाना है, इसलिए मैंने कंसीलर लगाकर अपने लिप्स को साइड से थोड़ा सा हाईलाइट किया है। आप देख पा रहे हैं अब मेरे लिप का लुक काफ़ी अलग हटके आ रहा है, ऐसा मेरा नेचुरल लिप का लुक नहीं है, ऐसा मैंने क्रिएट किया है मेकअप की हेल्प से। एंड देन फिर लगा लेना है आपको एक बार फिर से भर भर के हाइलाइटर क्योंकि ये मेकअप है थोड़ा सा ग्लॉसी, थोड़ा सा शाइनी, विंटर के लिए और नाइट पार्टी के लिए, नाइट आउट के लिए बहुत अच्छा है ये मेकअप। तो इसमें जितना अच्छे से आप हाइलाइटर को अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा पिटी एंड डैशिंग लुक लगेगा आपका। हो चुका है मेरा मेकअप कंप्लीट। अब आप देख पा रहे हैं कैसी लग रही हूँ मैं।
हे गाइस, हो चुका है मेरा आज का ये मेकअप लुक कंप्लीट। आप खुद ही देख पा रहे होंगे कितना प्रिटी और डायनेमिक है ये लुक। ये लुक एकदम इंस्पायर्ड है कोरियन गर्ल्स से। जी हाँ, मुझे वहाँ की गर्ल्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं उनके जैसी दिखूँ, बट मैं उनकी जैसी नहीं दिख सकती। दैट्स व्हाई मैंने फॉलो किया है ये मेकअप रूल्स। इवन आजकल इंडियन सारी गर्ल्स को पसंद होगा उनका फेस और उनके जैसा दिखना। तो अगर आपको भी अच्छा लग रहा है मेरा आज का ये मेकअप लुक, तो आप भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक कर दीजिएगा एक बार। मिलते हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी रिलेटेड मेकअप की क्विक ब्यूटीफुल डायनामिक स्टाइलिश टिप्स से। तब तक के लिए बाय बाय।